Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. सो गाइज, नेहा काफी दिनों के बाद वापस आई है भाई। ये गई थी कहीं पे और मैं भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था और हमने बिग बॉस का एंटायर सीजन जो है सेशन जो है वो मिस कर दिया लगभग। बट बिग बॉस में देखता नहीं हूँ, तो मेरे को एक कंटेस्टेंट ही लगा अमेजिंग इसमें कि रज्जा दलाल भाई है जो है ना, जिसको हम बाहर भी जानते हैं, जो है वाइब मैच हो रही लोगों के साथ, जो की हाँ, हर जगह बहुत हर जगह लड़ाई 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 हर जगह रज्जित की है ना, वही चली जा रही है डिस्प्यूट। और मेरे को गाइज ये भी सुनने को आया कि अब इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है दिग्विजय राठी की, कि जो है जिन्होंने स्पिट्स विला में थे ना, हाँ स्पिट्स विला में थे वो, तो शायद उनके साथ रज्जित की होगी गेम थोड़ी सी थोड़ी। तो मतलब कि वो मेरे को नहीं पता, मैंने देखा नहीं, नया देखती थी स्पिट्स विला, तो मतलब कि उसके नेचर कैसा है, कि गुस्से वाला है कि ऐसे, मतलब गुस्से वाला भी नहीं है, बट वो मतलब हंसता रहता है, हंस हंस के चिढ़ाता है इंसान को। अच्छा चिढ़ाने, तो रज्जित वैसे भाई जल्दी एग्रेशन में आए थे। तो फिलहाल आज की वीडियो तो रज्जित की ही होने वाली वगैरह वाली वीडियो, तो फिलहाल उसको प्ले करते हैं। फर्स्ट टाइम रज्जित को देख रहे हो मेरे ख्याल से, और आप बस किसके लिए देख रहे हो हाँ ये कमेंट करके बताना। तो फर्स्ट टाइम रज्जित को देख रही है ना, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बाकी रील्स रूल्स पे शो होगा, बाकी इसको नहीं पता था। सो फिलहाल चलो प्ले करते हैं, आज लग जाएगा पता रज्जित दलाल के बारे में नहीं होगा भी भाई। सो फिलहाल प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। किसी ऐसे भी बात में दमे रोक के दिखाना, ऐसा कोई बाहर होता तो पहले एक थप्पड़ मारता, फिर सेंटेंस बोलता, फिर थप्पड़ मारता, और तू बोल तेरे को भी बता दे भाई को जाने से पहले तमीज सिखा के जाऊंगा, इतना वादा रहा। घर किसका है? घर तो बिग बॉस का है। रूल किसके है? रूल बिग बॉस के। कान में नहीं बोल सकते, फुसफुसा नहीं सकते। अगर आप मेरे को बोलोगे मेरी मर्जी है, तो मेरी मर्जी बहुत चीजों में है और जो करूंगा, और तेरे पे जो पाड़ा जाए पाड़। क्या बात है, जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जैसा तुम मुझे समझते हो कि भाई इसमें बिग बॉस के बाद ऐट आ गई, घमंड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको लगा घमंड? नहीं, 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 नहीं। इसको झूठ लगा। जाने अनजाने में अगर ये मजाक मस्ती में आपको बुरा लगा हो, गलत लगा हो, तो उसके लिए माफी, माफी मांगनी नहीं आती। जो हो गया वो हो गया, मैं एक बात को लेके नहीं बैठ। अरे निकल चल। तू मेरे को सामने से मिल, पांच फुट ये सर पे आंड रखूंगा तेरे भी उछल के। टॉप देखकर आने आना जुड़ दिया सर, आपको पता नहीं वो चीज। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा, इकलौता रीजन, आपकी जगह कोई और होता मैं गोदी में उठाता और खींच के ले जाता। स्टार्ट होने से पहले जब स्टार्टिंग पे सारी टीम आई से कभी बोल दिया था कोई हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने भी प्रोफेशनल प्लेयर ले आओ। क्या बात है, कितने खुले आप कह रहे हैं, मैं चीतड़े कर दूंगा, जो कितना एग्रेशन होगा भाई भर के ना, जिगर पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहा है भाई, जिगर के अंदर पूरी है ना व्यात है। तो ये वही है बॉडी बिल्डर, एक वेट लिफ्टर है। तो ये जो आपने फोन वाली धमकी दी है कि किसका फोन रजत को जाएगा, तो सर उसने हुलपट्टी थी, मैंने भी बाहर आके दे दी, सर आएगा किस, ये क्या नाम इनका, अविनाश है शायद है ना, या विवियन, मेरे को नाम भी नहीं पता, भूल जाते हैं। तो इन अविनाश है ना, तो इसने धमकी दी रजत को, कह रहा एक फोन आएगा तेरे को और तू सॉरी मांगेगा इसके बाद। कॉमन सेंस होती है एक छोटी सी जो दिमाग के अंदर होती है, हो सकता है किसी के कहीं और हो, मैं किसी बात के लिए 3 महीने 3.5 महीने वेट तो करूंगा नहीं। तो इतनी समझ होनी चाहिए कि घर के अंदर मिल। और रही बात फोन वाली ना, तो मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, ये आगे पीछे ऊपर नीचे का सारा जोर भी लगा लेंगे ना, मैं आपके आगे चीज बोल रहा हूँ, मैं 15 दिन के अंदर इनसे सॉरी बुलवा के दिखा दूँ। यार ये आपका तो अच्छा है यार, आप हर एक से सॉरी बुलवाना चाहते हैं। इन्होंने बोला एक सेकंड रुकना प्लीज ना, बीच में मत बोलना। घर किसका है? घर तो बिग बॉस का है। रूल किसके है? रूल बिग बॉस के। कान में बोलना रूल है नहीं है? तो ये कहीं नहीं लिखा है कि कान में नहीं बोल सकते? कान में नहीं बोल सकते, फुसफुसा नहीं सकते, उसमें अगर मैं तमीज से प्यार से पूछ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट कि भाई आप कान में क्यों बोल रहे हो, ये आप देखो क्या उसमें, अगर नहीं मेरी टोन ऊपर है, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा आपसे, और वो आपकी वजह से हो रहा है। तो अगर आप मेरे को बोलोगे मेरी मर्जी है, तो मेरी मर्जी बहुत चीजों में है और जो करूंगा, और तेरे पे जो पाड़ा जाए पाड़ लियो।
वो लोग परेशान कर रहे हैं मुझे। तू यार रात में उसे दुखी करने में कैसे बैठा पड़ा है? यहाँ पे कोई किसी लड़की को दुखी नहीं करेगा बिना बात में। रजत दलाल आया बिग बॉस में गाइस, मजा आने वाली है। मतलब जब हाथों में मेडल्स थे तब किसी ने नोटिस नहीं किया, जब हाथों में हथकड़ी आई तो सबने बड़ा चर्चा किया। तो देखते हैं भाई का स्वीट साइड भी, क्योंकि गुस्सा तो हम लोग सब लोगों ने देख ही लिया है इनका। रजत जी आप बताओ, अगर आप अगर अविनाश की जगह होते और आप पर एक ऐसा मार्क चीज गई पीछे फैजून है ना। हाँ, मतलब ये रजत ने कही थी चीज बिग बॉस में कि जब मेरे हाथ में मेडल हुआ, ये पहले वेट लिफ्टिंग करता था ना, कि जब मेरे हाथ में मेडल हुआ करते थे तब किसी ने ध्यान नहीं किया, लेकिन जब हाथ में हथकड़ियां जेल में भी किया था किसी रीजन के पीछे, मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता है ज्यादा, तो सब है ना कि सबने चर्चा बना दिया, विषय बना दिया कि रजत जैसा है वैसा है। वो किसी को नहीं दिखा वेट लिफ्टिंग करता था और बहुत बार ये मेडल्स भी जीता है। हाँ सही बात है। लांछन लगाया जाता क्या आपके अंदर, ये जो अविनाश ने किया है बदला रिवेंज का हो, वो करने का मन नहीं चाहेगा? मेरे हिसाब से शायद मैं ज्यादा अच्छे से समझ गया। अब मैं दिखाऊंगा इनको ना? बोलो भाई जी। बोलिए। मेरे को जितना लगता है ये चीज मैं समझ रही बात खाने की वो मैं बाद में देखता, अगर मेरे साथ ये चीज हुई होती उसने खाना दे दिया मैं खाना भी नहीं देता। नहीं देता बिल्कुल भी नहीं। आउट करता हर एक इंसान से। या खेलते आप इनके साथ थोड़ी देर के लिए? नहीं भाई मैं खेलता नहीं, मैं देता ही नहीं। देते नहीं आप। रजत भाई को सपोर्ट करो। यस भाई मैं कर रहा हूँ और हर हफ्ते एक स्टोरी डाल रहा हूँ ताकि चलता रहे, क्योंकि रजत भाई भी बाहर आएंगे और अगर उनको दिखा कि अनुराग ने सपोर्ट नहीं किया तो वो मेरा क्या हल करेंगे आपको ही पता। एल्विस ने चलो उस भाई में मार दिया, हाथ पैर छोड़ दिया, हम होते तो हम हाथ पैर भी तोड़ देते। देना देना प्लीज एक स्टीरिया दे देना। अरे देना यार। बॉजी दूध। मैंने घर की बात बाहर नहीं करी, बाहर की कोई बात उठाई नहीं है। जब ये शो खत्म हो जाएगा, जब भी खत्म होगा तब सब एक बार ना अपडेटेड रहना, मैं उस कॉल का वेट करूंगा। और उसके बाद अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ था, इसके साथ हो जाएगा। आउट ऑफ रेंज ना हर कोई बोलता है। आउट ऑफ रेंज नहीं मेरे भाई, दिमाग में लेके जाऊंगा। ये प्रटेंड करना चाहता है कि मैंने मारा इसको। चात पांडे मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और मैं विवियन नहीं हूँ। आप उसको सिर पे चढ़ा लो और उसको बोलो उस पर कत्थक कर लेगी। आप मुझे सिर पे इतनी दिक्कत होती है ना, तो हिसाब से रहकर यार मजाक में बोलो, सिर पे चढ़ के नाचे जा रही है। मैं नहीं नाच रही, मजाक ही कर रहे हैं। अभी भी निकल यहाँ से, तुम निकल रहे हो मुझे बोल के, देख खुद ही निकल रहा है, बोल रहा है निकल यहाँ से। और खुद ना तो मैं तेरे हिसाब से चलने वाला, तेरे से दूर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये भारत की जनता देख रही है। सुनो इस घर में ना चार पांच पैंदे हैं ऐसे ऐसे, आपको नहीं बोल रहा। रजत भाई का तो बैट दबाता है नीचे, मतलब जान लगा के पूरा ऐसा मारता तो बैट कैसी टूटती, बैट कमजोर था भाई। और रजत दलाल भी है वो तो बैटे तोड़न का आदमी है भाई, वो तो अथा, वो जिस जगह तो टूटा है ना वो जगह भी बहुत खतरनाक है। उड़े तो आमतौर पर बैट टूट देगा नहीं, लेकिन उसमें जान इतनी ज्यादा है कि वो अच्छा तो बोलना पड़ेगा और बैठने तोड़ेगा। के नाम क्या है? चाहत पांडे। चाहत, और चाहत तो किसी चीज की चाहत है ही नहीं। चाहत है ना सर बिग बॉस की ट्रॉफी की। अच्छा। हिसाब से बात करो, दो मिनट में भूत बना दूंगा। अगर रजत कभी आके बोलेगा मैं जो आपका मसल को लूज करना है, आपकी पूरी जिंदगी लूज हो जाएगी। जो आप बोल रहे थे ना रजत दलाल के नाम में दलाल आता है, तो रजत के पीछे ना जाट भी और गैल राव साहब भी खड़े हैं, छत्तीस बिरादरी खड़ी है।
मैं कह रहा हूँ अरे निकल चल। क्यों निकलूं? मत निकल, खड़ी रहे। बिग बॉस का घर है तो आप। अरे मैं कौन से कह रहा हूँ, मेरे बाप का घर है। रजत का हाथ कभी भी छूट सकता है, उसके वो खाली अपने इतिहास की वजह से रुका हुआ है, नहीं तो ये तीन बार फिट चुका होता अब तक। और जब मारेगा वो फोड़ देगा। अरे रजत अपने इतिहास की वजह से रुका हुआ है यहाँ पे, कि जो उसके साथ पास्ट में हो गया अब दोबारा ना वो चीजें, नहीं तो तीन बार फिट चुका होता ये यहाँ पे, है ना। सो बाकी फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। बंदा मस्त है। हाँ मस्त बंदा ये, और बाकी अब आएगा मजा जब दिग्विजय आएगा इसके बीच में ना। मैं मतलब ये है कि अगर वो आए तो वो हाँ छेड़ेगा जरूर, उससे भी बहुत ज्यादा आता है। तो बाकी देखेंगे जो भी होगा, जैसे भी होगा तो देखेंगे इन सब चीजों को। और ऐसा भी होता है कि जिससे बढ़ता उम्मीद हो ना वो चीज हाँ निकल के नहीं आती बाहर, है ना, ये चीज तो है। और बाकी देख के लगेगा पता, क्योंकि दिग्विजय की एज भी छोटी है अभी, है ना, 23 साल का है वो। और बाकी चलो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जरूर कमेंट करके बताना। एंड रजत और चाहत के कुछ मोमेंट्स भी हैं ऐसे लव वाले या फनी वाले, कुछ भी अगर आप चाहते हो हम इन दोनों के मोमेंट्स पे भी रिएक्शन करें तो वो भी जरूर करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड बाकी और भी अमेजिंग ऐसी वीडियोस आती रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।